चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में रिंग को भी देख चुके थे, रॉड वाला देखे थे, एक्सेल वाला, अब रॉड वाला इक्वेटोरियल वाला देखते हैं। ठीक है, जैसे रॉड एक्सेल का तो हम लोग देखे थे, हमारे पास आ गया था फॉर्मूला, क्या आ गया था हमारे पास, ठीक है, ये एल लेंथ था, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा था, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे था, तो पी पॉइंट पे, तो पोटेंशियल एट पी पॉइंट क्या था, लैम्डा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन, ठीक है, एल एन आर प्लस एल अपॉन आर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी कोई टेंशन ही नहीं है। अब अगर सपोज करते हैं, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे कि कुछ जनरल पॉइंट पे, ठीक, यहाँ से अगर ये लीनियरली चार्ज रॉड है, ठीक, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और किसी डिस्टेंस आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे कोई पॉइंट पी है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले थे, तो हम लोग के पास याद है फॉर्मूला, ठीक है, क्या था, लैम्डा बाई फोर पाई एप्सिलॉन आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू अवे, और इधर एक था, ठीक है, लैम्डा बाई फोर पाई एप्सिलॉन आर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ये वाला एंगल हम लोग के पास क्या है, थीटा वन है, और ये वाला एंगल हम लोग के पास क्या है, थीटा टू, इतना दिया हम लोग के पास, ठीक है। तो डेरिवेशन क्या है, खैर इसमें हम लोग की अच्छी बात है, अच्छी बात क्या है कि हम लोग सीधे सीधे डी क्यू को हम लोग को देखना है, ठीक है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, ठीक, कोई भी अगर यहाँ पे डी क्यू चार्ज होगा तो उसके लिए ये डिस्टेंस हो जाएगा, और डायरेक्ट ऐड करना है यहाँ से यहाँ, ठीक है, पूरा एकदम सारे पॉइंट चार्ज है उसके लिए हम लोग को डायरेक्ट ऐड करना है। मगर सबके लिए एक दिक्कत क्या है कि सबके लिए डिस्टेंस अलग अलग है, रिंग में हम लोग देखे थे कि सबके लिए डिस्टेंस क्या था, सेम था, रिंग में सबके लिए डिस्टेंस क्या था, सेम था, पर यहाँ पे सबके लिए सारे पॉइंट चार्ज के लिए डिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है, मगर डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए रिजोल्यूशन ही करना था वहाँ पे, जैसे वहाँ पे डिस्टेंस भी अलग था इलेक्ट्रिक फील्ड में, और रिजोल्व भी करना था क्योंकि सबका डायरेक्शन भी अलग था, डिस्टेंस भी अलग, इसके लिए जैसे डिस्टेंस अलग, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस अलग और डायरेक्शन भी अलग, इसका डायरेक्शन ऐसे था और इसका डायरेक्शन ऐसे था, इसका डायरेक्शन ऐसे था, तो सबका डायरेक्शन भी अलग था, तो हम लोग को डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ता, रिजोल्व करना पड़ता एक्स वाई में, ठीक है, और डिस्टेंस के लिए हम लोग जैसे किए थे, यहाँ पे डायरेक्शन अलग कैसे नहीं है, तो कोई रिजोल्यूशन की बात नहीं है, पोटेंशियल देखना है तो सीधे सीधे हमको डिस्टेंस से मतलब है, ठीक है। तो आइए, जैसा हम लोग किए थे उसमें भी सेम डेरिवेशन फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है, आर डिस्टेंस पे था पी पॉइंट, तो यहाँ से हम लोग मानते हैं एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स विड्थ के लिए हम लोग मानेंगे कि ये एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये हम लोग ले लेंगे डी थीटा, ठीक है, तो ये आर है 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, बेस आपका आर है, ये थीटा है, तो हम लोग इस ये वाला डिस्टेंस हम लोग के पास क्या जाएगा, आर सेक थीटा, तो अगर ये चार्ज डी क्यू है तो इसके वजह से पोटेंशियल जो पॉइंट आएगा वो क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, आर सेक थीटा, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, आर सेक थीटा, थीटा डी थीटा विड्थ के लिए हम माने कि एंगल चेंज नहीं हो रहा है, डी थीटा एंगल के लिए हम माने कि एंगल चेंज नहीं हो रहा है, इतने एंगल के लिए, स्मॉल एंगल के लिए हम माने कि एंगल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। डी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी क्यू को लैम्डा डी एक्स, ठीक है, लैम्डा डी एक्स अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन आर सेक थीटा, अब दो वेरिएबल हो गया एक्स और थीटा, तो या तो थीटा को एक्स में करें या तो एक्स को थीटा में करें, तो हम लोग को पता है यहाँ से एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर टेन थीटा लिख सकते हैं, एक्स बाई आर परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होगा आपका, टेन थीटा होगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स को आर टेन थीटा, फिर डी एक्स निकाल लेंगे वहां से, तो एक्स थीटा में आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज आर टेन थीटा, तो डी एक्स इज इक्वल टू आर टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो उसको वहां पे हम लोग रख दें, डी वी पी की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा डी एक्स अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन आर सेक थीटा है, क्लियर ना हम लोग को, तो बस मतलब है ये डी क्यू चार्ज है, डिस्टेंस ये है, तो इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन का कोई लेना नहीं, सबको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, तो आर सेक थीटा, डी एक्स की वैल्यू रख दो, तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन आर सेक थीटा, ये आर आर कट जाएगा, सेक थीटा से कट गया, तो आपके पास आ गया लैम्डा बाई फोर पाई एप्सिलॉन सेक थीटा डी थीटा, इसको इंटीग्रेट कर दो, ये वी पी हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यानी ऐसे क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो तो जीरो से थीटा वन, और एंटी क्लॉकवाइज सब नेगेटिव हो जाएगा तो जीरो से माइनस थीटा टू, तो माइनस थीटा टू से थीटा वन हो जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा हमारे पास माइनस थीटा टू से थीटा वन, सेक थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या होता है, एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है, एक झटके पटके में इंटीग्रेशन भी देख लो, ये माइनस थीटा टू, ये थीटा वन, तो सेक थीटा में क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपके पास, लैम्डा बाई फोर पाई एप्सिलॉन, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, आपके पास क्या जाएगा,
sec theta into tan theta plus sec square theta upon sec theta plus tan theta. एक बड़ी अच्छी बात आपको दिखेगी कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, नीचे को t मानोगे तो dt हो जाएगा, dt by t तो ln t हो जाएगा, यानी आप इसको लिख सकते हो log sec theta plus tan theta, ठीक है, minus theta 2 से theta 1, upper limit minus lower limit, upper limit रखेंगे तो log sec theta 1 plus tan theta 1, minus करेंगे तो division हो जाएगा, ठीक है, माइनस ln sec माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस थीटा 2, तो sec माइनस थीटा sec थीटा ही होता है, और tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा फर्दर हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट P जो हो जाएगा lambda by 4 pi epsilon ln sec theta 1 plus tan theta 1 upon sec theta 2 minus tan theta 2, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज होता है, हाँ माइनस लगा देते, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलिए तो इसको यहीं रोकते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग, टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू.